और उसको अल्फा सेल में बेचेगा। तो अल्फा सेल क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे और फ्लैश सेल का और अल्फा सेल के डिफरेंस हम जानेंगे। तो कैसे आप लोग सब फ्लैश सेल के बारे में सुने होंगे। फ्लैश सेल में ये होता है कि एक जब भी कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में उसका टाइम पीरियड दिया होता है, उसी टाइम पीरियड में उसको खरीदना है, पर फ्लैश सेल में प्री बुकिंग भी नहीं। तो अल्फा सेल क्या है, अल्फा सेल में जो भी प्रोडक्ट आता है आएगा तो उसमें आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, कुछ प्राइस के अमाउंट देकर प्री बुकिंग कर सकते हैं और बाकी के अमाउंट जब प्रोडक्ट आपके पास आएगा तब आप उसको दे देना। ये है अल्फा सेल का और अल्फा सेल का डिफरेंस। तो आप इसको कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये फ़ोन आएगा 12 बजे आएगा, तो उसके बाद उसको आप एमआई का ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन उसको करेंगे, 850 रुपीज़ अमाउंट देकर उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। करने के बाद उस जो प्रोडक्ट K20 और K20 प्रो जो भी आपको लेना है उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये प्रोडक्ट आपके नाम पे हो गया। जब ये प्रोडक्ट आकर आपके घर में आएगा तब बाकी के अमाउंट उसको दे देना। ये है अल्फा सेल के रजिस्ट्रेशन के बारे में।